हर हर महादेव। भाई थोड़ा आप कैमरा लेकर का पीछे हो गया। आए हुए हैं दशहरे पर और फूल की वर्षा कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं और भैया लोग का आशीर्वाद लेते हुए स्नान करने के लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। मैं रेहाना खातून, महानगर जिला पदाधिकारी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जिला संदेश। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सरदार पथविंदर सिंह आज संगम तट पे आए हुए हैं, जो कांवड़ लेके जा रहे हैं कांवड़िए, हम लोग उनका उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि देश में एकता, भाईचारा, सद्भावना बनी रहे। आज रेहाना खान जी भी आई हुई हैं और तमाम मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के आए हुए हैं, जो बराबर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और उनसे चंदन लगवा रहे हैं। बहुत ही एक अच्छा मनोहर दृश्य यहाँ घाट पे दिख रहा है। राष्ट्रीय एकता के जैसे तिरंगे के तीनों रंग यहाँ पे आराम से दिख रहे हैं, सब एक छटा पे बिखेर रहे हैं और कि हम सब एक हैं, भारत महान है, विश्व गुरु बनाना है। जो योगी जी या मोदी जी का सपना है उसको साकार करने में सब अल्पसंख्यक समाज के लगे हुए हैं, इसलिए हम सभी को एक बार पुनः बधाई देते हैं और अपनी बात को विराम देते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और साथ से बीच में आप हट।
आज हम लोग यहाँ पे दशरथ उमेर पर आए हुए हैं और यहाँ पर जितने कांवड़िया हैं दर्शन यहाँ पे स्नान करने के लिए उनको फूल की वर्षा कर रहे हैं और उनको तिलक लगा रहे हैं। हर हर महादेव। ओ डमरुआ वाले की जय।